अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शरीफ और आप देख रहे हैं मोहम्मद शरीफ व्लॉग्स। तो हमारे यहाँ आने वाली है बारिश, तो चलिए बारिश की तरफ चलते हैं और देखते हैं कैसा व्यू है और कैसा मौसम है। तो मैं पहले ही देख कर हमारे यहाँ आने वाली है बारिश और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना अच्छा मौसम है और देहात के अंदर बारिश तो आती है तो बच्चों को भी खेलने का मौका मिल जाता है। यहाँ पर आप बच्चे भी देख सकते हैं, तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बारिश का मौसम बना हुआ है। ये बच्चे भी आप लोग देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो बारिश को एंजॉय करने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यार बारिश आने में थोड़ा ही टाइम है, तो अल्लाह से यही तवक्को है कि बारिश आ जाए और हम एंजॉय करें। और इस तरफ तो धूप निकली हुई है, आप लोग खुद देख सकते हो ऊपर ये धूप निकली हुई है, तो बारिश को एंजॉय करते हैं। और लेट्स स्टार्ट। तो वो वहाँ पर रंग दिखाई दे रहा है, ये निकल चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर रंग निकल चुका है। ये जो रंग निकल चुका है ना, इसको क्या कहते हैं, मोंग कहते हैं, वो मोंग भी निकल चुकी है। आप लोग खुद देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो सात रंग रेनबो बोलते हैं क्या, तो हमारे यहाँ रेनबो भी निकल चुकी है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड वो हो रहा है रेनबो का, माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा। और तवक्को यही है कि बारिश बरसने वाली है और मैं आज बहुत ही खुश हूँ कि क्या ही पीछे बैकग्राउंड आ रहा है। इस बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं बिजली भी गरक रही है, चमक रही है और रेनबो निकली हुई है। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये रेनबो नज़र आ रही है, जो इतनी सारी रेनबो है ये नज़र आ रही है। ये जो ना, ये जो एरिया है ना सारा, यहाँ पर रेनबो नज़र आ रही है। तो एंजॉय करते हैं और बारिश के मज़े को इंशाल्लाह। और वो रेनबो निकली हुई है, आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह क्या नज़ारा है। तो हम उस कैमरे से आप लोगों को दिखाता हूँ जूम करके। ऑर्डर बरसात आ चुकी है हमारे यहाँ और हम एंजॉय कर रहे हैं बारिश को। और मेरे साथ है अब्दुल्ला खान, वो भी ना रहे हैं। माशाल्लाह बारिश तो ज़बरदस्त चल रही थी लेकिन हम अभी बाहर निकले हैं यार, और मैं बड़ा ही रिस्क लेकर आया हूँ और बिना किसी सेफ्टी के ऐसे ही फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ, वो भी बारिश के अंदर। तो आप लोग देख सकते हैं देहात के अंदर बारिश का मज़ा दुबाला हो चुका है, बारिश आ चुकी है हमारे यहाँ और हम इंजॉय कर रहे हैं बारिश को। और बस कमीज उतार दी है मैंने क्योंकि बारिश को इंजॉय करना है भाई, ऐसे कैसे बारिश को। और मेरे साथ बारिश को मेरा भाई है, छोटा भाई अब्दुल्ला, वो भी एंजॉय कर रहा है। तो वो सारा भीग चुका है अभी, मैं अभी बाहर निकला हूँ और मेरा फ़ोन कहीं भीग ना जाए यार, फिर काम कैसे होगा। तो माशाल्लाह बारिश ज़बरदस्त, और तो मैंने अभी फ़ोन की सेफ्टी कर दी है, ऊपर एक चीज़ लगाई है जो बाद में दिखाऊंगा कि शूटिंग के बाद में आप लोग देख सकते हैं मैंने कैसे हैंडल किया हुआ है इसको। और मेरे को थोड़ी सी फ्लैश की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि अभी यहाँ अंधेरा होने वाला है। तो माशाल्लाह हम एंजॉय कर रहे हैं बारिश को, तो मज़े ही मज़े हैं अभी देहात के अंदर बारिश आती है तो। ओ तो मेरी जो चीज़ जो मैंने लगाई है ऊपर, वो कवर लगाया है ऊपर, दिखाई दे रहा था आप लोगों को। तो अभी बारिश चल रही है हमारे यहाँ, अच्छी बारिश, और मैंने अभी फ्लैश ऑन कर दिया इसीलिए मेरे चेहरे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो जानवर बने हुए हैं उनको भी बारिश ने तंग करके रख दिया है। अभी बिल्कुल सारे भीग चुके हैं और हम चलिए बात करते करते व्लॉग बनाते हैं। तो हमारा इस व्लॉग बनाने का यही मकसद था कि देहात के अंदर जो बारिश आती है फिर तो अल्लाह ही मालिक के हुई हुई। और मैं यहाँ गिरने वाला था लेकिन अभी गिरते गिरते बचा हूँ, तो स्लिप हो चुका था क्योंकि हमारे यहाँ जो कच्ची ज़मीन है और हमारी चप्पलें जो है ना वो स्लिप हो जाती हैं। तो मैंने चप्पल भी अभी पहन रखी है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं चप्पल के साथ जा रहा हूँ, नंगे पाँव जाने में रिस्क है, कोई कांटा वगैरह लग सकता है, इसी वजह से मैंने चप्पल पहन के रखी है। और यहाँ मैं अभी दरख्त के नीचे आ चुका हूँ, तो अभी दरख्त में क्रॉस करते हैं। यहाँ पर बारिश का पानी भी है मौजूद, तो जा रहे हैं हम इस दरख्त के नीचे से गुजर रहे थे, आप लोग देख सक रहे थे इधर कितना पानी जमा हो चुका है बारिश का। और अभी मैं घर से बाहर निकल कर आ गया हूँ, हमारे कच्चे मकान हैं क्योंकि पक्के भी हैं लेकिन हमारे कच्चे मकान हैं, क्योंकि कच्चे मकान में बारिश का मज़ा ही अलग होता है। और ये हमारा स्कूल
जिसमें हम पढ़ाई वगैरह करते थे, हमारा स्कूल है ये। तो आगे चलते हैं, स्कूल भी आपको दिखाते हैं कि मैंने कितनी मेहनत से इस स्कूल को बचाया है भीगने से। मैंने बचाया है, बारिश ने बचाया है, बच चुकी है लेकिन आधी भीग चुकी है। और हमारा देहात के अंदर स्कूल का ये हाल होता है। अभी स्कूल बंद है फिलहाल क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है इस वजह से। और फिर दूसरी तरफ खेतों की तरफ चलते हैं अभी। मैं अभी रिस्क लेकर बाहर निकला हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि ये जो नारे वगैरह चल रहे हैं इसके। तो बारिश में करते हैं एंजॉय। मैंने कपड़े अभी तो आधे उतार दिए हैं क्योंकि बारिश के अंदर यार कपड़ों के साथ नहाने में मज़ा नहीं है जितना। मैंने अभी सलवार और बनियान पहनी हुई है बस, और सारे उतार दिए हैं, कमीज सी होती है उन्होंने उतार दिए। तो चलते हैं खेतों की तरफ, जा रहे हैं, हमारे खेत इधर हैं आप लोग देख सकते हैं। और खेतों के अंदर बारिश तो हो रही है। मैं बारिश में अभी फ़ोन के ऊपर थोड़ा सा सेफ्टी वगैरह लगा कर आया हूँ। इतनी सेफ्टी नहीं है, रिस्की है, लेकिन इतनी सेफ्टी नहीं कि मैंने एक गत्ता उठाया है और वो ऊपर लगा दिया है। वो मैं दिखाता हूँ कि ये रहा गत्ता जो ऊपर मैंने रख लिया। अभी वो भी भीग चुका है लेकिन इतना हमारे फ़ोन को होगा कुछ नहीं क्योंकि वाटरप्रूफ है। इसको क्या होगा, ये लोग ये देखो हमारे यहाँ ज़मीन भर चुकी है इतनी बारिश के। तो खेतों में अभी जाकर क्या करेंगे, काम का स्लिप होंगे। मैं यहाँ से ही दिखा देता हूँ कि ये हरियाली जो दिखाई दे रही है ये हमारे खेत हैं। और मैं अभी बारिश में तकरीबन भीग चुका हूँ। और एक मेरा दोस्त इधर बैठा है दुकान पे, अभी उसके पास भी चलते हैं। तो मैं अभी जा रहा हूँ, उसका भी यूट्यूब का चैनल है। अभी वो छुप कर बैठे हैं, मैं बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ बारिश के। लाइव चल रही है हमारी वीडियो, लाइव तो नहीं चल रही, ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, लाइव को नहीं बोल रही मेरे लग रही। और फाइनली हम इस बंदों के पास पहुँच चुके हैं, ये अंदर बैठे हैं छुप के। बहुत बारिश हो रही है इसीलिए चुप के बैठे हैं, और अंधारे में हमारा मूंद नहीं आ रहा है अंदर। आगे ये बैठे हैं बंदे, लेकिन अंधेरा है अंदर क्योंकि बाहर तो अंधेरा नहीं है। मैं अभी तो बारिश को कर रहे हैं एंजॉय, और विलेज में बारिश होने का नज़ारा ही कुछ और होता है। और ये एक बंदा फाइनली अभी बाहर आ चुका है, दूसरा भी बाहर आ रहा है। तो इंशाल्लाह ये अभी बाहर आ चुके हैं, इन लोगों को कुछ करवाते हैं बारिश को एंजॉय बारिश के बारे में। और हम अभी जा रहे हैं पानी के अंदर थोड़ा दूर, मेरे वो दोस्त वहाँ पर खड़े हैं अभी। तो मैं अभी आधा भीग चुका हूँ और आधा पीला आधा सूखा क्योंकि बारिश चल रही है, लेकिन अभी थोड़ी कम हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं ऊपर से मैं भीग चुका हूँ, लेकिन नीचे जो मेरे कपड़े हैं वो अभी आधे भीगे हुए हैं आधे। तो वीडियो हो चुकी है हमारी लंबी, अब वीडियो को करते हैं एग्जाम।